हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से अपने फ़ोन की कोई भी पिक एंड वीडियो हाइड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। तो फ्रेंड, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कोई भी पिक एंड वीडियो हाइड करने के लिए सबसे पहले आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है फाइल नेम से। तो फ्रेंड, आप सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आपको सेव फोल्डर पर क्लिक करना है। सेव फोल्डर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आप अपना पिन डालेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको सेव फोल्डर पे बैक होना है। बैक होने के बाद इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन में जितनी भी पिक एंड वीडियो होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप कोई सी भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको थ्री डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मूव टू सेव फोल्डर का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्रेंड आप अपना ओल्ड पिन एंटर करेंगे। हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से आपकी पिक अपने आप ही यहाँ से हाइड हो चुकी है। तो फ्रेंड, आप जो भी पिक अपनी हाइड करते हैं वो आपको गैलरी में देखने को नहीं मिलती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से कोई भी वीडियो हाइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।